खाना शुरू कर दियो। नहीं बहुत ये पैर लग रहे टूटा है ना, गाड़ी से टकराई हुई है, जो भी स्थिति है, तो जहाँ जहाँ उसके घाव वहाँ वहाँ हमने डिटॉल डाल दिया था। अच्छा, और डिटॉल डालने से क्या हुआ कि उसके इतनी मक्खी वक्खी थी। हाँ, हाँ, तो डिटॉल में डाला, डिटॉल में डाला करें। किस पे? कभी घाव पे। हाँ, आप नीम ले था, नीम। हाँ, उसको थोड़ा सा वही है कि हाथ से जो रगड़ के वो लगा दिया। नहीं एग्जैक्टली मेडिकली गंदगी भी होगा ना वो सारे बाहर। मेडिकली उन्होंने यही बताया था कि मक्खी नहीं बैठे इस वजह से पकेगा नहीं, इसलिए मैंने उसमें डिटॉल डाल दिया था। डिटॉल के पानी से पूरे शरीर को धुल दिया। एक्चुअल में डिटॉल क्या है, डिटॉल की एक लिमिटेशन है उसका। अगर वो बूंद डाला जाए तो ठीक है, ज्यादा डालेंगे तो वो नहीं, साइड वो बस बूंद के रूप में। इसको लीजिए थोड़ा बनाइए आप, एक हाथ की केवल करेंगे आप। आरिशी है, आरिशी लिखा है जी जी, पर दूसरा हाथ आगे नहीं लगाएंगे क्योंकि यो इधर आइए, इधर आप आइए, इनको बनाने दीजिए। इधर तो रामविलास के जोड़ी हैं, आइए। धीरे धीरे रास्ते पर आ रहे हैं। तो आज कौन तारीख है? 8 जून 2013 है। एक हफ्ते हो गए होंगे? एक हफ्ते हो गए। एक हफ्ते हो गए ये गाय यहाँ पड़ी हुई है। मड़ा सन थी, हमारे सूरज शुक्ला जी हैं जो छोटे बच्चों का स्कूल चलाते हैं और काफ़ी दिनों से हमसे जुड़े हुए हैं। और हमारे बाद अगर रायबरेली में मैंने किसी को देखा है कि किसी ऐसे जानवर की तन मन धन से सेवा अगर की जाए तो हमारे सूरज शुक्ला जी हैं। हमारी तो खैर इसी में लाइफ बीत गई। और आज हम ये समाज, अंधे समाज से ये बताना चाहते हैं कि इससे बढ़ के कौन सी कथा है, इससे बढ़ के कौन सा शरबत का वितरण है, इससे बड़ा कौन बड़ा मंगल है। इनके कुछ सहयोगी कल वहाँ से वो लोग भी कुछ आए थे तो उन्होंने भी चिट्ठी हमसे दिलवा दिया कोई यादव है, इसलिए हमने कहा भाई बहुत मन लगा के। बाकी इनको वेटनरी हॉस्पिटल से हमारे डॉक्टर साहब जो है इसमें देवतुल्य है बलवंत सिंह, और पूरी दवाइयाँ भेजते हैं। अब वो वहाँ से ठीक है, आपने दूर से आ रहा तो रिक्शा किराया और सब नहीं, नहीं वो साइकिल से आता है आदमी, तो हमने कहा भाई इसको यदा क्या कभी इसको 15-20 रुपए दे दिया जाए तो मन लगा के काम करेगा। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब कंडीशन इनकी अब पहले से अब सुधार पर है तो अभी इनको किसी गौशाला को न दिया जाए, क्योंकि गौशाला बनाम कसाई खाना, यहाँ गौशाला बनाम कसाई खाना। मैंने दो जानवर यहाँ पर एक बार मैंने एक गौशाला को दिया और 15-20 दिन के बाद पूछा कहनो तो मर गया, फिर दूसरा दिया कहनो मर गया, तो हमने कान पकड़ा भैया हाल लाइफ हमने तो पूरी जिंदगी लगा दिया इसी में, अब हम नहीं बुढ़ापे में कर पाते हैं। लोगों से मैं कहता हूँ अगर कोई करता है तो अच्छी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ हम गाय के पास चलेंगे और आप क्लिक करके एक दो फूल भी ले लीजिएगा, एक यादगार बन जाएगी। कल हिंदुस्तान वालों से भी मैंने कहा हाँ आप कहे लिख करके दे दीजिए, फोटो दे दीजिए, तो 2 मिनट के लिए अगर हिंदुस्तान में हम जभी देखते हैं, अगर वह जाता है तो ज़्यादा अच्छी बात, हम नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, हम अभी घर जाएंगे और वहाँ से आ करके फिर इनको हम लिख करके दे देंगे और फिर लादे फांदे मैं बंदर के लिए निकल जाऊँगा। अंधेरा हो जाएगा तो मैं लौटूँगा और लौटूँगा तो फिर मेरा काम आप बहुत बड़ी सेवा है। बेचारे देखिए अकेले दम थे, इसको धूप से बचा रहे हैं, इसको यानी इसका महंगा भूसा लेके आए हैं। हमने ये भी कहा था भूसा हमने मंगाया है रखा है, भूसा हम भी होगी हम भेज देंगे, लेकिन अपने मन से लाए बेचारे चारा पानी सारी सेवा करके। अब मैं ये जानना चाहता हूँ उससे बढ़ करके कौन सी मथुरा है कि कौन शंकराचार्य है, इससे बढ़ के है क्या? तो सब लोग जानते हैं कहते हैं कि हाँ इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। अगर मान लीजिए जब ये बारिश का टाइम होता तब कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। हमको है माँ बाप अकेले हो गए, हम एक तरीके से अब रिटायर हो गए। अब अभी देखिए अब जाएंगे बंदर बहुत करेंगे, 15-15, 20-20 किलो सामान रखा साइकिल में लादना जाना, पर 76 साल की उम्र है, इतनी क्षमता नहीं रह गई है।
लेकिन अगर कोई भक्त भक्त मिलता है तो हम यही सोचते हैं कि कितना बड़ा काम है ये और इस काम को ये कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा संसार में न कोई तीर्थ है, न कोई व्रत है, न कुछ है। और अगर है तो ये बड़े बड़े जो ये शरबत बांट बटवाते हैं ना, हैं, इनके लिए मैंने बैनर भी बनवा दिए हैं, फिर भी वो हमसे संपर्क करें, हमें बताओ कि आप वाहवाही लूटते हैं या कि सेवा करते हैं। तो हमारा मतलब है कि आप इनका वो कर रहे हैं। अब आशोक जी यहाँ भैया एक मिनट आप वहीं रहिएगा, हम लोग आ रहे हैं, आप चाहे इधर से नांग किया जाइए, आप आइए या नांग लिया जाए यार। अभी अब अब इतने अब अब इतने नहीं पा रहे हैं। आप वहीं से हाँ बन जाइए। हाँ हाँ और क्या, बगल में ही तो है।